यह है डिग्री पार्ट वन का हिंदी का क्वेश्चन जो कि ग्रुप ए बी और सी तीनों के लिए है। और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने 50 आएगा और ये 50 मार्क का है। यहाँ पर हम आप लोग को सभी का आंसर बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्ट वाले के लिए है। आप लोग को शुरू में बता दें, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है रश्मि रथी की रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर्ण के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर रश्मि रथी में रश्मि का प्रतीक किसे माना गया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर जो है सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। और यहाँ पर ऊपर सिर का कनक छत्र में कनक का क्या अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर जो है वो आप लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच यहाँ पर जो है कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन प्रसंग संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर पाँच जो है इसका आंसर है ए हो जाएगा, ये प्रथम सर्ग में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर छठा है यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठा जो है चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ पंक्ति जो है वो किस सर्ग में है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर बी हो जाएगा, सप्तम सर्ग में। क्वेश्चन नंबर सात है यहाँ पर कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में पंक्ति जो है किस सर्ग में है, तो क्वेश्चन नंबर सात का आंसर भी ए हो जाएगा, वो भी प्रथम सर्ग में ही है। क्वेश्चन नंबर आठ है यहाँ पर कर्ण परशुराम संवाद है, आठ का आंसर जो है वो हो जाएगा ए, प्रथम सर्ग में ही कर्ण और परशुराम का संवाद मिलता है। क्वेश्चन नंबर नौ है यहाँ पर कर्ण कृष्ण संवाद जो है किस सर्ग में प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये तृतीय सर्ग में कर्ण और कृष्ण का संवाद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ए, 1952। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर भय है तुम्हें विनाश देखकर छाती कहीं न फट जाए फिरा न लू अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं ऊपर जाए, पंक्ति जो है किसने बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा, ये वाणी परशुराम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का आरंभ किस चीज़ से होता है, तो 12 नंबर का जो है आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोग का ए, 23 सितंबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर स्वर्ग आज सच में धरती पर भीख मांगने आया है यह कथन किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, हम आप लोग का कमेंट जरूर पिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कर्ण इंद्र संवाद किस सर्ग में प्राप्त होता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, चतुर्थ सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कर्ण का मृत्यु संबंध कौन से प्रसंग में है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सप्तम सर्ग में ही मिलता है कर्ण की मृत्यु का भी। और क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर संक्षेपण का गुण है, तो 17 का आंसर जो है सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है संक्षेपण होता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा, मूल अवतरण का एक तिहाई। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर पल्लवन में किस शैली का प्रयोग होता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सामास शैली का। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर पल्लवन की भाषा क्या होती है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर महान्यवादी का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा, एटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है एडवाइस का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सलाह। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर एक्सप्लॉइट का अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है बी हो जाएगा, शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर एक्सटेंशन का अनुवाद क्या होता है, तो 24 का आंसर जो है ए हो जाएगा, विस्तार। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर गवर्नर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो 25 का आंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर अनुवाद का महत्व क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आसमान सिर पर उठाना इसका अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बी होगा, असंभव कार्य को करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है आँखों का खोटा होना, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि आँखों का खोटा होना का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा, शत्रुता करना, आँखों का खोटा होना। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर
अपना उल्लू सीधा करने का क्या अर्थ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अपना मतलब निकाला, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर एक्ट का अर्थ क्या होता है? तो एक्ट का अर्थ अधिनियम होता है, ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, संगणक। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर गिल्टी का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी हो जाएगा, दोषी। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर कंडीशनल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो 33 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, ससत। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अमृत के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर अद्भुत का प्राचार्य क्या होगा? तो 40 का आंसर जो है ए हो जाएगा, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर मैंने यहाँ आना था, यह इसका जो है शुद्ध रूप बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मुझे यहाँ आना था। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर सारे देश भर में रोष है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सारे देश भर में गुस्सा था। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर देश में अनेक प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही शुद्ध रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर मैं सौभाग्यवती कन्या का विवाह संपन्न हुआ का शुद्ध रूप जो है क्या होगा? यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर कार्यालय सत्र में सबसे ऊपर रहता है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, प्रेसिति का नाम। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर टेंडर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो 46 का आंसर जो है ए हो जाएगा, निविदा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो 47 का आंसर जो है आप लोग को यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुरंग। क्वेश्चन नंबर 48 है वक्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग को बी हो जाएगा, रिजू। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? तो 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है वंश में उत्पन्न व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वंश में उत्पन्न व्यक्ति को जो है वंशज कहा जाता है। तो ये रहा आपका हिंदी का क्वेश्चन जो कि ग्रुप ए बी और सी तीनों के लिए है, जो कि आर्ट के स्टूडेंट के लिए है, और ये पार्ट वन का है। अगर आप लोग को किसी और भी सब्जेक्ट का आंसर चाहिए, आंसर की चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट करें, और साथ ही कमेंट के साथ साथ आप लोग अपना क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर सेंड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ जो है आप लोग क्वेश्चन सेंड कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए जो है नया वीडियो लेकर के आ सके और आप लोग को भी आंसर बता सके। धन्यवाद। ये वीडियो पसंद पड़ा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं, अगर आप लोग को किसी और भी विषय का आंसर की चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कीजिए आप लोग, और टेलीग्राम पर ही आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए, वो भी बिल्कुल सही तरीके से फोटो क्लिक करके। और क्वेश्चन जब साफ साफ आप लोग सेंड करेंगे, हमारे पास सभी क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम आप लोग को आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिए टेलीग्राम पर, अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो।